नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 10 Pro Plus मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया था, यानी कि दोस्तों आपके मोबाइल में जो डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट रहेगा, जैसे फिंगर सेंसर में अपना फिंगर लगाओगे वैसे ही आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी लॉक स्क्रीन पासवर्ड पैटर्न बना के रखा वो आप यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप वो यहाँ पे आप डाल दोगे दोस्तों, आपके यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके मोबाइल में जो स्क्रीन पे जो फिंगर सेंसर दिखाई देगा उस पर आपको अपना फिंगर टच कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से हम अपना फिंगर टच कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आपके मोबाइल में फिंगर जो फिंगर सेंसर रहेगा पूरा ये गोला भर जाएगा, तो आपके यहाँ पे डन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, डन पे क्लिक कर देंगे तो सक्सेसफुली आपके मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। आप दोस्तों जैसे ही आप अपने मोबाइल के फिंगर सेंसर में अपना फिंगर टच करोगे वैसे ही आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप Realme 10 Pro Plus 5G मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।